So hey guys, this is me Abhilash and this is the first project of the series, the weekly projects. Okay, projects of the week. So, इसके पहले कि मैं तुम लोग को इस वीक का प्रोजेक्ट बोलूँ कि वो क्या है कैसे है, इसके पहले लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस एंटायर थिंग विल वर्क आउट. सो ऑन संडे आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो जिसमें सारे डिटेल्स होंगे अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब द प्रॉब्लम एक्चुअली. एंड उसके बाद यू विल गेट 5 days फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे टिल 9 PM. फ्राइडे 9 PM तक तुम्हारे पास टाइम होगा. यू कैन कोड इट, डिबग इट, टेस्ट इट, एनीथिंग. एंड यू कैन सबमिट एनी टाइम पूरे हफ्ते में. अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मंडे पे कर लिया है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ दैट कोड इज परफेक्ट एनफ, तो तुम मुझे अद्वैत को सेंड कर सकते हो. यू हैव द एंटायर वीक, यू कैन सेंड इट एनी टाइम. एंड मैं प्रोजेक्ट्स को एक बेसिक फॉर्मेट में बोल दूंगा कि ऐसे 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 होगा, बट एज बिकॉज दिस इज प्रोग्रामिंग, यू कैन गेट एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट. तुम्हें लगता है कि हाँ मैं और 3-4 इनपुट डाल के इसको और अच्छा बना सकता हूँ, करो, एकदम गो फॉर इट. मजा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग करो, मजे के लिए करो, ठीक है. एंड थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट्स. क्योंकि ये फर्स्ट वीक है, हम लोग एकदम कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम लोग लेवल अप करते रहेंगे. तो इस हफ्ते का वीक हम लोग इस हफ्ते का प्रॉब्लम हम लोग अभी देखेंगे. तो लेट्स सी. सो हे गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट ऑफ दिस वीक. तो इस वीक का प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है, इतना कुछ हार्ड होने नहीं होने वाला. तो बेसिकली क्या करना होगा, तुम्हें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा, वो काफी बड़ा होगा. माइंड दैट कि जो हम लोग टेस्ट करेंगे ना, तो काफी बड़ा होने वाला है. तो उसके बाद उसको तुम्हें हर एक जो वर्ड है उसका पर्टिकुलर वर्ड है उसको न्यू लाइन में प्रिंट करना पड़ेगा. और लास्ट में तुम्हें शो करना है द नंबर ऑफ वावल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स. प्रिंटिंग में एक कैच है, ठीक है, प्रिंटिंग में कैच है, वो मैं तुम लोग को भी दिखाता हूँ. कि सपोज मान लेते हैं कि मेरा इधर एक तो सपोज मेरा इनपुट ये हाई माय नेम इज अविलाश घोष, ठीक, हाय माय नेम इज अविलाश घोष. आई लिव इन सिलीगुड़ी. तो सपोज ये मेरा इनपुट है, ओके. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं ये इनपुट दू तुम्हारा आउटपुट कुछ ऐसा होगा, हाय माय नेम इज तुम्हारा इनपुट कुछ ऐसा, आउटपुट कुछ ऐसा होगा. मैंने एक सीधा स्ट्रिंग इनपुट दिया है, हाय माय नेम इज अविनाश घोष, और उसके बाद मैंने हर एक जो है उसको प्रिंट किया है हाय माय नेम इज अविनाश घोष. बट हर एक बार में जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये पहला वाला जो वर्ड होगा ना लेटर का, पहला लेटर जो तुम्हारे वर्ड का होगा वो अपर केस में होगा. अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में होगा, ठीक. और लास्ट में जो तुम्हें करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वावल्स आर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर, तो ये होगा तुम्हारा आउटपुट. इसमें कुछ होगा, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है कि एंटायर स्ट्रिंग में कितने हैं. तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
ठीक है, तो टोटल 15 वॉवल्स है मेरे इसमें, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So this will be the input and output format, ठीक है? So ऐसे रहेगा कि input मैंने दिया hi my name is Avilash Ghosh, I live in Siliguri. तो output hi my name is Avilash Ghosh, I live in Siliguri. Number of vowels are number of consonants are. So pretty easy. तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो एंड यू गाइस गेट स्टार्टेड, एक छोटा सा हिंट देता हूँ. जस्ट थिंक अबाउट स्पेसेस, ठीक है, चेक करते रहना, बिकॉज आई गेस्ट ओके. हिंट ये है कि व्हेनेवर तुम पूरे स्ट्रिंग को कैलकुलेट कर रहे हो ना, जब स्ट्रिंग में लूप चला रहे हो, जस्ट स्पेस ढूंढते रहना. दिस इज द मोस्ट हिंट आई एम गोना गिव, उससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा. फिगर इट आउट ऑन योर ओन हाउ टू सॉल्व दिस. एंड फ्राइडे तक टाइम है तुम लोग के पास, फ्राइडे 9 PM तक, सो भेज देना तब तक. सो दैट वाज इट गाइस, आई होप तुम लोग को प्रॉब्लम समझ में आया. एंड सो आज ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, स्टार्ट कोडिंग. सो दैट वाज इट, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ. Keep your doctor pandas with you and stay sanitized. So that's me signing off.